गांधी जी ने भारत भर भ्रमण किया, तभी उनको भारत की बहुसांस्कृतिक और बहु क्योंकि यह पूरा क्षेत्र भाषाई स्तर पर बाकी देश से भिन्न है, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकता की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही की जा सकती है। इन विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अपना सुपुत्र देवदास 1918 में हिंदी प्रचार यज्ञ की शुरुआत की। सन 1933 में प्रांतीय सभाओं की स्थापना भी क्रमशः आंध्र, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में हुई। सभा द्वारा उपलब्ध सेवाएँ जो हैं, प्रारंभिक एवं उच्च परीक्षाएँ, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, प्रकाशन एवं बिक्री, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, अनुवाद के क्षेत्र में दक्षता प्रदान करने स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मानक शब्दकोशों का निर्माण, बोलचाल हिंदी वर्ग जनसाधारण के लिए सारी उपाधि प्रदान करने हेतु अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी, श्रीमती मुद्रिला सिन्हा, राज्यपाल गोवा और सभा के अध्यक्ष नडोजर डॉक्टर जस्टिस पी एस मल्लिमठ जी को सबसे मेरा प्रणाम है। मैं मानूंगा एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी, जय हिंदी। पर गोवा, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्री हनुमंतप्पा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर, श्री आर नेरलकट्टी प्रो चांसलर, प्रसन्नता का क्षण है। जिस संस्था के बारे में मैं बचपन से सुनती आई हूँ, जिस संस्था में काम किए हुए प्रचारक प्रचारिका के सानिध्य में मेरा बचपन पला है, गांधी के संस्कारों को उनके माध्यम से मैंने सीखा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में श्री ब्रजनंदन शर्मा और उनकी पत्नी विद्या देवी काम करती थी, और स्वतंत्रता मिलने के पूर्व जब गांधी को यह पता चला कि अभी स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो उन्होंने उन दोनों से आग्रह किया या आदेश दिया कि आप दोनों बिहार में जाकर बालिका शिक्षा के लिए काम करें। और उन्होंने जिस शिक्षा समझती हूँ कि जो विषय जो चीज़ हम हृदय में रखते हैं, हृदय से प्रारंभ करते हैं, उसमें हमें सफलता भी मिलती है
और उसे